बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि सिर्फ भेड़ियों से इंसानों को ही खतरा है या फिर अब भेड़ियों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये भी एक मुद्दा यहाँ पर है क्योंकि जिन लोगों से इस वक्त मैं बातचीत करने जा रही हूँ वो बताएंगे कि बस कुछ ही देर पहले इन्होंने भेड़िए को देखा है। ये दावा इन युवकों की तरफ से, लोगों की तरफ से जो कि यहीं पर बहराइच जिले के धनावा गांव में रहते हैं और यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। आप मुझे बता रहे थे, हम चाहेंगे कि जो दावा आप कर रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे थे आपस में, क्या देखा आपने? जी, मैंने एक जानवर देखा जो भेड़िए की तरह लग रहा था। हमने कई बार उसको पिंजरे में देखा है जो पिछली बार पकड़ा गया था। हमें लगता है वही जानवर है। पिछली बार पकड़ा गया था मतलब? हाँ, यहाँ पर रेस्क्यू किया गया था यही हिंदूपुरवा में। हाँ, उसी जानवर को लग रहा है हमने देखा है। तो आप लोग बातें कर रहे थे यहाँ पर, आप ये कह रहे हैं, और इस वक्त पर कहाँ गया वो? जैसे ही आप लोग बातें कर रहे थे तो कैसे आपने देखा और कहाँ गया वो भागते? हमारे यहाँ नेटवर्क की शॉर्टेज रहती है इसलिए हम लोग क्लास डाउनलोड करने सड़क पर आते हैं। सड़क पर यहाँ पर गन्ना अधिकतर फसल जो है गन्ने की जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा मतलब यहाँ से एक भेड़िया मतलब इधर से आई है। इधर से कह रहे हैं आप? इधर से सड़क से इस तरफ आई है फिर इधर की तरफ गई। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पर आपने देखा? इधर से फिर दौड़ते हुए इधर। कितनी दूरी, कितनी दूरी थी? मतलब हम लोग वहाँ पे बैठे थे जहाँ पे वो मतलब 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी। हमें चाहूंगी कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव जरूर दिखाएं इस रास्ते में। आप वहाँ पे हम लोग कैमरा वहाँ पे हम लोग अपनी क्लास डाउनलोड कर रहे थे क्योंकि मतलब घर पे नेटवर्क पे प्रॉब्लम रहती है। कैसे कैसे आपने देखा थोड़ा सा यहाँ पर आकर हमें इसलिए बताइए क्योंकि बहुत सारे दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ हवा हवाई या किसी भी तरह की कोई अफवाह देखी नहीं फैलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इन दिनों में अफवाहें बहुत फैलती है लेकिन ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते हैं आप, ये तो हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पर कर रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप मुझे बताइए कैसे यहीं पर आप कह रहे हैं? यहीं से इधर से निकले हैं और इधर गई है। हम लोग बिल्कुल दावा कर सकते हैं कि भेड़िया ही थी वहाँ क्योंकि इधर से इधर निकली। अच्छा, इस तरफ से यानी कि और उस तरफ देखिए बिल्कुल जंगल एरिया आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। शाम को भी देखा गया था, शाम को हमारे बड़े भाई साहब है पंकज शर्मा जिनका नाम है, वो भी यहाँ से कम 300 मीटर पहले मतलब देखे थे। जो अभी आप दावा कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि कुछ देर पहले, क्योंकि जैसे ही हमारी टीम यहाँ पर पहुंची हम लगातार सुबह से यहाँ पर घूम रहे हैं, कई दिनों से यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगी हैं और ये बता रहे हैं कि यहीं पर जब ये लोग बात कर रहे थे आपस में तब यहाँ से भेड़िया उस तरफ चला गया। आप कह रहे हैं कि उस तरफ चला गया जंगलों में, उस तरफ निकला जंगल में घुस गया है। अच्छा, उस तरफ आप लोगों ने देखा उसे? अधिकांश जंगल ही है इसलिए कई जानवर, पिछली बार यहाँ 15 जनवरी को एक तेंदुआ भी रेस्क्यू किया गया था इसलिए कई जानवर आए दिन रहते हैं यहाँ पर। कई जहरीले सांप भी आते रहते हैं, नदी के माध्यम से आ जाते हैं क्योंकि ये नदी जो है नेपाल से आती है इसलिए इसके माध्यम से कई जानवर और सांप वगैरह। और जब आप बातें कर रहे थे तब आपने देखा मतलब कि यहाँ से दौड़ता हुआ वो उस तरफ चला गया है? एकदम उधर गया है। हम लोग यही चाहेंगे कि वन विभाग की टीम यहाँ पे आए और एक बार जरूर इसका मतलब देखभाल करेगी। देखिए, धनावा गांव की टीम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वन विभाग की टीम को यहाँ पर जरूर आना चाहिए, देखना चाहिए क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अभी बहस कुछ देर पहले ही देखा है कि किस तरह से एक भेड़िया जो ये दावा कर रहे हैं इस तरफ से वहां पर चला गया, यानी कि इस रास्ते को पूरा पार करते हुए वहां चला गया। किसी की जान पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, जरूरी है कि वक्त पर बहुत अलर्ट मोड पर है प्रशासन, कोशिश कर रहा है, हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो धनावा गांव है ये, है ना? तो धनावा गांव में देखे, परिस्थिति को टटोले ताकि किसी तरह का जो खौफ लगातार ये लोग झेल रहे हैं वो आगे झेलने ना पाए। हमारे से सहयोगी कमल देव सिंह के साथ सबीना तामंग देशमुख, बहराइच।